Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So hello guys, good morning. So guys, मैं कल रात को अपनी इस गैलरी स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे अपनी कुछ पुरानी क्लिप मिली, लाइक 2019 की, और वो भी जुलाई अगस्त की कुछ क्लिप थी वो. सो पहले जिस टाइम मैंने उसको शूट किया था और साइड में रख दिया था, तो मैंने वो सोचा कि वो एडिट करके डालूँ, पर उस टाइम एक क्लिप में आवाज़ मिसिंग हो रही थी तो मैंने ब्लॉग बाद में डाला नहीं. बट आज मैं सोच रहा हूँ कि ना उसके ऊपर एक ही क्लिप में थोड़ा सा वॉइस ओवर करके उसको नॉर्मल एडिट करके आपके सामने मतलब प्रेजेंट कर सकता हूँ और डाल सकता हूँ मैं. तो वही ब्लॉग मैं आज आपके सामने दिखा रहा हूँ कि 2019 में मैंने अपना पहला ब्लॉग किया था और उस टाइम मैंने सोचा कि ब्लॉग करना है, बट उसके टाइम मैंने एक ही ब्लॉग कर पाया. उसके बाद मैं क्यों नहीं कर पाया, कुछ काम आ गया था और कुछ थी प्रॉब्लम, इसलिए नहीं कर पाया था. सो अभी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप जाना वो पूरा ब्लॉग देखना. मैं 2019 में वो पहली फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक के सामने और घर वालों के सामने मतलब इतने सारे लोगों के सामने ब्लॉग किया था. सो प्लीज़ गाइज डोंट, एकदम पूरा देखना एंड गो एंड एंजॉय दैट वीडियो. बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल डीएम ब्लॉग्स. सो गाइस, अभी कुछ बजे 6 to 6:30 अराउंड कुछ, तो आपको लग रहा होगा इतना जल्दी उठ के मैं कर क्या रहा हूँ. सो गाइस, एक्चुअली आज जा रहे हैं हम ब्रूज, और आज हम तो जा तो रहे, बट आज हम ब्रूज फैमिली के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं, क्योंकि समटाइम्स फैमिली के साथ भी जाना ओके बनता है. तो बस यार, अभी सुबह सुबह उठा हूँ तो कुछ बोलने का बोल भी नहीं पा रहा हूँ और समझ भी नहीं आ रहा बोलूँ क्या. तो बस गाइस, बस रेडी होके आता हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, दिखाता हूँ आपको भी. सो लेट्स सी. ओके फाइनली गाइस, वी आर रेडी टू गो. सो एंड यस, सीरियसली गाइस, मतलब लिटरली इतना आलस आ रहा था, इतना जोर आता था ना सुबह सुबह नहाने में, और ऊपर से मैं इतना आलसी हूँ और बहुत लेजी हूँ, मतलब बहुत मुश्किल से सुबह सुबह नहाया, रेडी हुआ. अब चलो आगे चलते और देखते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं हम वापस, तब तक के लिए बाय. मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बोला था, मैं एक क्लिप में आवाज़ कहीं उड़ गई है, वो क्लिप यही थी. सो गाइस, ये क्लिप में सीन पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट मेरी आवाज़ कहीं उड़ गई थी. सो इस क्लिप में मैं ये बोल रहा था कि मैं पहुंच गया हूँ एंड टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ था, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पीछे बस थी उस पर मैं आए थे. एंड एक और चीज़ थी जो मैं अपनी सनग्लासेस भूल गया बस. सो गाइस, मंदिर के ऑलमोस्ट दर्शन तो हो गए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, और यहाँ का सीन बॉम है एकदम. लुक आपको दिखाता हूँ. एक नंबर है भाई, एक नंबर. ओह सीरियसली मैन. सो गाइस, मंदिर का सीन तो ख़त्म हुआ, बट सीरियसली मॉम स्वेट, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, मेरा फेस देख लो, बोले कितना डल है. मीन्स बहुत गर्मी है यार, मैं बहुत गर्मी है, मेरा हेडेक होने लग गया, मतलब और कुछ कर नहीं सकता, इतनी गर्मी है. सो कोई नहीं, अब नेक्स्ट जो हमारा सीन होगा वो थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं स्विम करने. लाइक वो स्विमिंग पूल तो नहीं है, बट एक बोलते हैं ना क्या है, वो तो मेरे को वहाँ जाके पता चलेगा. सो लेट्स
go over there and let's have swim and have some cold. जहाँ मैं गया था उसके लिए एटलीस्ट 2 दिन चाहिए होते हैं कि 3 दिन चाहिए होते हैं। और रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत गर्मी थी, बहुत क्राउड था, मतलब बहुत ही क्राउड था, और थर्ड फैमिली थी। सो फैमिली के साथ होते तो आपको पता ही ज़्यादा मतलब कर नहीं पाते, मॉम डैड बोलते हो जो बड़े बोलते हो वही होता है। सो मैं कर नहीं पाया, जैसे जैसे उनका प्लान था वैसा वैसा मेरे को करना पड़ा। अगर फ्रेंड्स होते तो मैं ज़्यादा रहता, ज़्यादा एक्सप्लोर करता, वो कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाऊँगा। सो पहला हमारा प्लान ये था कि हम 2 जगह जाएंगे। फर्स्ट था वो बनम भाई द स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ जाएंगे, फिर नीलकंठ जाएंगे, पर उल्टा हो गया। पहले हम नीलकंठ गए तो वहाँ पूरा टाइम स्पेंड हो गया, लाइक वो इतना बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, पिकनिक स्पॉट है फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और वहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लाइक रेस्ट रूम, फूड काउंटर, थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, बहुत अच्छा है मंदिर है, मतलब जाओगे तो बहुत मज़ा आएगी आपको, जाओगे तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस जहाँ मैं स्विमिंग करने गया था ना, वहाँ पे पर पर्सन पर आवर 70 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 50 रुपीज़ है। सो वहाँ पे बहुत थक गए थे हम, फिर हम निकले, तब देखा टाइम अप हो गया था, तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी हम जा नहीं पाए क्योंकि वो 6 और 7 o'clock बंद हो जाता है, बंद नहीं होता, कटिंग गिर जाता है, फिर हम दूर से देख सकते हैं, दूर से देखने का मतलब नहीं होता ना, मैं वो कटिंग भी गिर जाता तो स्टैचू दिखता नहीं, तो मतलब नहीं हो जाने का। तो इससे अच्छा हम वहाँ पे उसको छोड़ के फिर एक और मंदिर गए, वो एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहुत कोई गांव में लाइक गुमधाम ऐसा कोई गाँव है, तो वहाँ पर वो मंदिर है, लाइक वो मंदिर 600 ईयर्स अगो पुराना है, 600 ईयर अगो पुराना है, और वो मंदिर की हिस्ट्री मेरे को जानने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे, और वहाँ पे मैं ब्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। लाइक मैं कर सकता था, मैंने ट्राई भी किया था, मैं कोई क्लियर नहीं दिख रहा था, लाइक मेरा फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा था, जो व्यू था वो भी क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैं दिखा नहीं पाया। सो मैं आपको खाली बोल के बता रहा हूँ, वहाँ पर भी विजिट करना, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि 600 ईयर वो पुराना मंदिर है, और उसके अंदर जो लाइक तलवार है, बाकी जो वॉर की जो सामान यूज़ होते हैं ना, वो भी 700 ईयर वो पुराना है, लाइक बुक्स है, तलवार है, अलग अलग चीज़ें, बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ पे, वहाँ पे जाना, वहाँ पे भी मज़ा आएगा। सो लाइक नीलकंठ जो गए थे वहाँ पे बहुत खूबसूरत मंदिर है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लाइक रेस्ट रूम मिल जाएगा, फूड काउंटर मिल जाएगा, मतलब बात के लिए थोड़ा बहुत ऐसे मिल जाएगा, और फूड जो है वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसके अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग व्यू है, और मंदिर के बाहर भी एक पहाड़ी टाइप है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आएगी। सो एटलीस्ट जाओ ना, 2 दिन का दिन चाहिए होता है, 1 दिन में होगा नहीं। और सीन वहाँ पे ऐसा हुआ,